तो इनकी आंखें खुल गई हैं तीनों चारों की। ओए क्यूटी, ओए क्यूटी, ये देखो ये शेर का बच्चा। इनकी आज आंखें खुली हैं सबकी। इसकी माँ गई है घूमने, इनकी मतलब इनकी माँ गई है घूमने और ये यहाँ पर खेल रहे हैं आपस में। तो फिर दोबारा से वेलकम हमारे छोटे से ब्लॉग में। दोबारा से आ गए हैं मंडे मार्केट तो और थोड़ा जल्दी आ गए, कोई और आया ही नहीं। लगाते दुकान थोड़ी देर में जल्दी से और फिर करते हैं बोनी। अभी दुकानें लगनी चालू हुई हैं तो भैया दुकान लगा दी है बढ़िया से और अब करें लाइट का इंतजार। तो लाइट वाले अंकल भी आ गए हैं, अब लेते हैं लाइटिंग से और लगाते हैं लाइट यहाँ पर। आज पड़ोसी चेंज है, आज टमाटर वाले की जगह भैया आलू वाले भैया। तो भैया बोनी हो गई है, 10 रुपये से बोनी हुई आज, शुरुआत हो चुकी है। अब और कमाते हैं, बहुत दिनों बाद आया हूँ ना इसलिए अजीब लग रहा है, 3-4 दिन की दुकानदारी के बाद आया हूँ और आज तो भूल ही गई दुकान लगाते कैसे। तो 5 मिनट तो समझ में आए कि ऐसे ऐसे लगा रही दुकान। तो भैया अब समय हो गया है 7:15 का और 200 रुपये की दुकानदारी जो है ना वो हो चुकी है, 200 रुपये तक की बोनी जो है वो हो चुकी है। तो मार्केट ठीक चल रहा है, बाकी अब देखो और कितना कमाते हैं आज। बजने वाला है 8 बजने वाला है और अभी सेल जो है थोड़ी सी मंदी हो गई है, कम हो रही दुकानदारी। ठीक है, हो सकता है मंडे अपना जलवा दिखा दे, लास्ट तक कुछ नहीं पता। तो भैया भैया बच गया भैया 9 और दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है यहाँ पर। अब यह तो नहीं पता कितनी हो गई बट ठीक है दुकानदारी। तो मंडे मार्केट अपने जैसा काम कर रहा है, जैसा हमेशा काम करता है ना वैसा ही काम कर रहा है आज भी। बाकी घर जाके देखेंगे, 1 घंटे बाद चलते हैं घर और अभी कर लेते थोड़ी दुकानदारी दोबारा से। तो बच गया है 10 और लाइट 2 बार डिम हो चुकी है, मतलब बैटरी डिम हो चुकी है, तो इस चक्कर में बैटरी के ऊपर बैटरी लगाई है इस समय। चलो 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 चलो। और भैया इन गायों ने तो आतंक मचा रखा है यहाँ पर, इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है ना पूरे मार्केट में, क्या बोलूँ। चलो आधा घंटा रह गया, आधे घंटे दुकानदारी करते हैं फिर मिलते हैं घर पर। तो भैया समय हो गया है बाज़ार का ख़त्म और अब सिर्फ सब्जी वाले में भीड़ है। एक आधा कस्टमर हमारे पास भी आए थे लेकिन वो रेट ऐसे बोल गए कि भैया दे नहीं सकते, तो इसलिए अपना समय हो रहा है ख़त्म। अब करते हैं दुकान को बंद और मिलते हैं घर पे। देखते हैं नहीं, सही है सही है, अगर देखूंगा मौका लगा तो मैं भी आऊँगा वाइफ को लेके। देखता हूँ अभी उसका बंद तो करे पहले। हर जगह रामायण चल रही है, रामायण का फीवर चल गया सभी पे। ये तो पुरानी कोई अलग सीन आ रहा है, ये तो नया सीन नहीं है। गेट तो खुला हुआ है बिल्ली और बिलोटी भी बैठी हुई है। और क्या, बिल्ली बैठी है आके, ये देखो लगे हुए हैं, चेक करता हूँ अंदर। तो दोस्तों आ गए घर पे और पैसे कर लिए काउंट। आज सिर्फ मेरे पास 3 ही नोट आए हैं, इतनी कम सेल हुई आज, क्या करेंगे, मार्केट ऐसा चल रहा है। तो चलो पहले बता दें कि कितनी सेल हुई है, देन उसके बाद फिर बात करेंगे आगे। तो आज सिर्फ 1, 2 और ये 3, जी हाँ सिर्फ 1500 रुपये की सेल हुई है आज। तो आज अच्छी सेल हुई है और 3 नोट इसलिए क्योंकि तीनों 500 कर लिया मैंने, कल बाजार जाना है इसलिए, और टोटल 1495 रुपये की सेल हुई है। तो आज तो मंडे मार्केट ने खुश कर दिया, मतलब बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी सेल हुई है मेरी। और मंडे मार्केट में बहुत दिन बाद कि मंडे मार्केट जो है सोमवार बाजार जो है वो अच्छा चल रहा है, वो पिछले 2-3 हफ्तों से अच्छा चल रहा है, बाद बीच में डाउन हो गया था लेकिन अभी ठीक चल रहा है। तो अब ये सारे जो काउंट करने के बाद पैसे टोटल हो जाते हैं मेरे पास 2400 रुपये, 2450 रुपये कुछ हो जाते हैं, जिसमें से कि मैंने अभी तक कोई सेविंग नहीं करी है और रश्मि का उधार बाकी है करीब करीब 300 रुपये का, आज का मिला के उधार हो जाएगा और अगर कल दूंगा तो 500 रुपये कल देने पड़ेंगे। तो कुछ नहीं दे रहा अभी किसी को भी, ये सारे पैसे लेके जाऊँगा कल मार्केट, कल सामान खरीदूंगा नया सामान बेचने के लिए और फिर उससे जो कमाई होगी फिर वो रश्मि का उधार जो है वो चुकाया जाएगा। ठीक है, तो अभी किसी को नहीं, ना बाबू को ना खुद के लिए ना ही किसी, सिर्फ मम्मी का जो है वो दे दिया और जो बाज़ार का देना है 80 रुपये वो दे दिया, 100 रुपये ऑनलाइन आए हैं तो वो तो ऑनलाइन ही रहेंगे। ठीक है, तो चलो, हाँ ऑनलाइन खर्च बहुत हो रहा तो उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे को। तो आज की सेल जो है ये 1500 रुपये और कल मिलते हैं नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। मार्केट जाएंगे, वहाँ कभी देखेंगे, अगर शूट कर पाए तो शूट करेंगे, नहीं तो दिखाएंगे क्या क्या सामान लेके आए हैं। और कल वर्कआउट अगर हो पाएगा तो वर्कआउट जरूर करेंगे क्योंकि वर्कआउट नहीं किया है 2-3 दिन से।
और ये पता नहीं गैप क्यों आ जाता है मेरे साथ, मैं बहुत आलसी हूँ, जब भी वीकेंड आता है मैं आलसी हो जाता हूँ, ठीक है। और रही जो बात सबसे मेन समझने वाली, वो ये कि आप ना सबको सामान नहीं बेच सकते, ये कन्फर्म है। मतलब कि अच्छी चीज़ भी सही रेट पे बेच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और जैसे कि हर बार क्या होता है, जब भी अच्छी सेल होती है तब भी मेरे 2 से 3 कस्टमर जो है छूट जाते हैं सिर्फ रेट के चक्कर में, उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। जबकि मुझे पता है मैं कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सही कॉस्ट ले रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन नहीं बन पाती बात। तो आज भी कम से कम 3 से 4 कस्टमर जो छूटे हैं, कोई 80 दे रहा है, कोई 70 दे रहा है, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं दे रहा, कोई कह रहा है बस आपका रेट बहुत ज़्यादा हाई है, कोई बात नहीं, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता रहता है हर मार्केट में, मैं समझ गया हूँ कि ये तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ कस्टमर तो छूटेंगे हमेशा। तो चलो अब मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।